हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ कॉमर्स की पाठशाला में। और जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो कि हमारे इस चैप्टर से रिलेटेड है। मैं इस चैप्टर को जो कि जर्नल लेजर है, इसको मैं डिटेल में कभी आपको वीडियो बना करके अलग से दिखाऊंगा। मैं स्क्रीन पे फिलहाल आपको नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि उसको मुझे प्रैक्टिकली बना करके आपको दिखाना पड़ेगा कि जर्नल लेजर किस तरीके से काम करता है। तो इस वाले टॉपिक के ऊपर, इस वाले चैप्टर के ऊपर मैं सिर्फ और सिर्फ आपको जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो मैं आपको समझा देता हूँ, ताकि थ्योरेटिकली अगर आपसे ये सवाल पूछे जाए तो आप इन सबको अटेंड कर पाए। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करेंगे, बट उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोज की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। राइट, आप जब भी हमारे चैनल पे आएंगे, मैं चाहूंगा कि आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के माध्यम से स्टडी कीजिए। यहाँ पे आपको हर एक कोर्स का प्लेलिस्ट मिल जाएगा, इग्नू एमकॉम न्यू, इग्नू एमकॉम ओल्ड, इग्नू बीकॉम न्यू। बीकॉम न्यू के ऊपर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर सारी की सारी प्लेलिस्ट आपको दिख जाएंगी, जिसके अंदर ढेरों वीडियोज हैं जिनको देख करके आप अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। साथ ही साथ आप चाहें तो हमारे चैनल का ज्वाइन वाले बटन के ऊपर क्लिक करके आप हमारे चैनल का मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं, जिसके बहुत सारे फायदे हैं। आपको व्हाट्सएप सपोर्ट मिलेगा 24/7 जब तक कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हो जाता। आपको बहुत ही लो कॉस्ट पे नोट्स मिल जाएंगे 40% डिस्काउंट पे। साथ ही साथ आपको असाइनमेंट्स मिल जाएंगी, आपके जितने भी कोर्सेज हैं उन सब के असाइनमेंट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करेंगे बैलेंस के बारे में कि आखिर बैलेंस क्या होता है। इसको थोड़ा मैं कलरफुल कर लेता हूँ। सो द डिफरेंस बिटवीन द टोटल ऑफ डेबिट्स एंड द टोटल ऑफ क्रेडिट्स अपीयरिंग इन द इन एन अकाउंट। तो बैलेंस जो होता है वो डिफरेंस होता है, जब आप अपना बैलेंस शीट तैयार करते हो, सॉरी, जब आप अपना डेबिट और क्रेडिट का तैयार करते हो, आपने जब लेजर करा होगा, आपको याद होगा जब आपने 12th में लेजर करा होगा तो वहां पे दो साइड्स होती है, डेबिट और क्रेडिट, राइट। या फिर आपने अगर जर्नल भी करा होगा तो वहां पे भी दो साइड्स हमको शो करनी पड़ती है, दो कॉलम बनाना पड़ता है राइट हैंड साइड में डेबिट एंड क्रेडिट का। तो दोनों की वैल्यू अगर मिल जाएगी तो वेल एंड गुड, पर अगर नहीं मिलती है तो जो डिफरेंस जो बचता है, जो डिफरेंस रह जाता है, उसे हम कहते हैं बैलेंस। इट सिग्निफाइज द नेट इफेक्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन पोस्टेड टू दैट अकाउंट। और ये क्या शो करता है? ये सिग्निफाई करता है कि टोटल असर जो है आपके ट्रांजेक्शन के कारण आपके उस अकाउंट पे कितना पड़ रहा है। ठीक है, कंपाउंड एंट्री क्या होती है? तो एक ही एंट्री में, जब आप एक सिंगल एंट्री में जब आप दो तीन चीजों को इंक्लूड कर लेते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ कुछ खर्चे किए हैं टू कैश, है ना, सपोज रेंट आपने खर्चा किया, स्टेशनरी आपने खर्चा किया, एडवर्टीजमेंट आपने खर्चा किया, तीनों मिलाकर के 1500 रुपए हुए टू कैश, 1500। तीनों में आपको 500 रुपए आपने खर्च किए थे, रेंट अकाउंट 500, स्टेशनरी अकाउंट 500, एडवर्टीजमेंट अकाउंट 500, टू कैश 1500। आप समझ रहे हो? तो यहाँ पे जब एक साथ आप दो तीन एंट्रीज को एक ही एंट्री में कर दोगे तो हम उसे कहेंगे कंपाउंड एंट्री। सो अ जर्नल एंट्री इन्वॉल्विंग मोर देन टू अकाउंट्स। हाँ, ये सही आंसर है, यहाँ पे सही तरीके से बोला गया है कि एक जर्नल एंट्री जहाँ पे एक से ज्यादा अकाउंट होंगी। डेफिनेटली यहाँ पे एक से ज्यादा अकाउंट है, रेंट है, एडवर्टीजमेंट है आपका, और मैंने क्या कहा था पता नहीं, मैं भूल गया, मुझे कमेंट में लिख करके बताओ यार। कैश है, टू कैश जो आप कर रहे हो, है ना, तो वो हो गया, तो उसे हम बोलेंगे कंपाउंड एंट्री। अब बात कर लेते हैं जर्नल के बारे में कि जर्नल क्या होता है। अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री वेयर अ क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस इज फर्स्ट मेड। तो जर्नल जो होता है, एक बुक होता है, एक किताब होती है, जहाँ पे जैसे जैसे ट्रांजेक्शन हो रही होती है, सपोज एक तारीख को हुआ तो उसको एक तारीख वाले में लिखा, दो तारीख को हुआ तो दो तारीख वाले में लिखा, मतलब क्रोनोलॉजिकली जिस तरीके से यहाँ पे ट्रांजेक्शन होंगी उसी ऑर्डर में आप चीजों को जो है रिकॉर्ड करते हो एक बुक में, और उसी बुक का हम कहेंगे जर्नल, है ना। जर्नल एंट्री का मतलब होता है एंट्री मेड इन द जर्नल। अब जो जर्नल बुक है उसमें जब आप एंट्री कर दोगे तो वो जर्नल एंट्री कहलाएगा, सिंपल सी बात है। जर्नलाइजिंग का मतलब क्या हो गया? द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द बिजनेस, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस इन द जर्नल। बिजनेस की जितने भी सारे ट्रांजेक्शन हो रही है, जो भी आपका बिजनेस उसमें जो भी चीजें हो रही है, जब आप उसको जर्नल में लिखते हो तो हम उसे उस प्रोसेस को कहते हैं जर्नलाइजिंग। ठीक है ना, जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है आप रिकॉर्ड कर रहे हो तो उसे हम कहेंगे जर्नलाइजिंग। अब बात हो रही है लेजर की। सो अ बुक विच कंटेन ऑल अकाउंट्स अफेक्टेड बाय द वेरियस ट्रांजेक्शंस इन बिजनेस। तो लेजर एक्चुअली अकाउंट होता है, खाते होते हैं जिसमें आप बहुत सारे खातों को एक साथ मेंटेन करते हैं, जिसका जो कि आपने ट्रांजेक्शंस करे थे उसके कारण से जो आपका अकाउंट के ऊपर जो असर पड़ा है उसको चेक करने के लिए, उसको एक तरीके से रिकॉर्ड रखने के लिए आप उसको फिर लेजर में लिखते हैं। आपने सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड करा, जर्नल से फिर आप पोस्टिंग करते हैं लेजर में, है ना, ताकि ओवरऑल जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको निकल करके वहां पे आ सके। अगला पॉइंट है ओपनिंग एंट्री। तो ओपनिंग नाम से पता चल रहा है कि पहला एंट्री जो होगा ना आपके अकाउंट का, उसे हम कहेंगे ओपनिंग एंट्री। सो अ जर्नल एंट्री पास्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर
टू ब्रिंग फॉरवर्ड द प्रीवियस ईयर्स एसेट्स एंड लाइबिलिटीज इज कॉल्ड ओपनिंग एंट्री। तो आपने एक जर्नल एंट्री पास करी, आपको याद होगा कि हम एसेट्स को डेबिट लाइबिलिटीज को क्रेडिट साइड में लिख करके हम सबसे पहले जो एंट्री करते थे वो हमारा कहलाएगा ओपनिंग एंट्री। अ जर्नल एंट्री पास एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, साल के शुरू में आप पास कर रहे हो, तो बीइंग फॉरवर्डेड अपने प्रीवियस ईयर के जो आपके एसेट्स लाइबिलिटीज है आप उसको फॉरवर्ड करने के लिए साल के शुरू में एक एंट्री पास कर रहे हो, जर्नल एंट्री पास कर रहे हो, जिसे हम कहेंगे ओपनिंग एंट्री। ठीक है, पोस्टिंग किसे कहेंगे? तो जर्नल में जो जर्नल से लेजर में जो पोस्टिंग होती है उसे हम पोस्टिंग कहते हैं। अब प्रोसेस ऑफ एंटरिंग ट्रांजैक्शंस इनटू लेजर अकाउंट्स, ठीक है, तो ये एक प्रोसेस होता है जहां पे आप ट्रांजैक्शंस को एंटर करते हो लेजर अकाउंट्स में, तो हम उसे कहेंगे पोस्टिंग। लेकिन पोस्टिंग कहां से होती है? पोस्टिंग होती है जर्नल से। तो आई होप कि ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे इस चैप्टर में से। हालांकि इस चैप्टर में से मुझे पूरा यकीन है कि इसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं रहेगा, सम्स ही आपको आएगा, तो मैं सम्स आपको बना करके दिखाऊंगा जर्नल और लेजर का, ताकि आपको ज्यादा दिक्कत ना हो। बट समझाने के लिए, समझने के लिए कुछ कुछ चीजें मैंने ये डेफिनेशन आपको करवा दी है, इन सब का मीनिंग आपको करवा दिया है, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें। बाय बाय, थैंक यू।